गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ओके, आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, हमारा तीसरा टॉपिक है। फर्स्ट था बार ग्राफ, दूसरा था हिस्टोग्राम और तीसरा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ओके, आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी सेम उसी तरह से, ठीक है, जैसे हिस्टोग्राम बनाते हैं। डिफरेंस कहाँ पे, थोड़ा से ध्यान से देखेंगे, ठीक है, समझ में आ जाएगा डिफरेंस कहाँ पे। ठीक है, थोड़ा से इसके बारे में इंट्रो ले लेते हैं। ठीक है, करेंगे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज अनदर मेथड टू रिप्रेजेंटिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, यानी कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, यानी कि ये अनदर, यानी कि कोई दूसरा मेथड है, ठीक है, जो को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज़ को, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करो। ठीक है, मेन हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सब में यही डिस्कस करते थे। फ्रीक्वेंसी ग्राफ के लिए, यानी कि ग्राफ के द्वारा। ओके, यानी कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का काम भी क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ग्राफली रिप्रेजेंट करना। ओके, ये भी एक तरीके का क्या है, मेथड ड्यूटा दिया है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑफ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ड्रॉन इनटू टू वे, यानी कि इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को ड्रॉ करने, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में दो तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट, बाय यूजिंग हिस्टोग्राम। ध्यान से देखो, यहाँ पे हिस्टोग्राम आ गया ना, यानी कि जो अभी पढ़े हैं इससे पहले, ठीक है, और विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम, यानी कि बिना हिस्टोग्राम के यूज किए, और दूसरा यूज करके बना सकते हैं। ठीक है, अब हिस्टोग्राम के यूज करके तो बनाना हिस्टोग्राम का यूज तो हम जानवे करते हैं कैसे बनाना है, अब थोड़ा सा इसमें चेंज होगा। ठीक है, डायग्राम बिल्कुल हिस्टोग्राम की तरह बनाएंगे, ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, छोटे छोटे चेंजिंग हो जाए, और ध्यान से देखना, दिखा देंगे जब ग्राफ बनाएंगे एग्जाम्पल, तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ओके, फर्स्ट हिस्टोग्राम, दूसरा विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसमें देखते हैं। ठीक है, लेट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डॉट डॉट एक्स एन बी द क्लास इंटरवल ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ये क्या है, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, ये क्लास इंटरवल है, जिसे गैप था ना 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 30 क्या था, क्लास इंटरवल, तो वही हमारा एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री क्लास इंटरवल होगा। ओके, ध्यान से देखना, एंड लेट एफ वन एफ टू एफ थ्री एंड डॉट डॉट एफ एन बी द फ्रीक्वेंसी क्रॉसवर्डिंग टू द क्लास इंटरवल। ओके, यानी कि जो अलग अलग क्लास इंटरवल है, अगर एक्स वन है तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी एफ वन हो गई, एक्स टू है तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी एफ टू हो गई, ठीक है, एक्स थ्री है तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी एफ थ्री हो गई, डॉट डॉट एक्स एन है तो उसके लिए एफ एन हो गया, यानी कि जितने क्लास इंटरवल होगा उसका अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगा, तो इसी तरह से हमने लिख लिया। ओके, सेकेंड पॉइंट ध्यान से देखते हैं, वी प्लॉट द पॉइंट, यानी कि हम क्या करेंगे, एक्स वन एफ वन, यानी कि सेम चीज़ जैसे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते थे, दो पॉइंट हमारे पास एक्स और वाई दिया रहता था, तो उसको एक्स और वाई के फॉर्मेट में ग्राफ बनाते थे, सेम उसी तरह से इसमें भी करना है। ओके, ध्यान से देखो, तो वी प्लॉट द पॉइंट एक्स वन एफ वन, यानी कि एक्स वन लेना है तो फिर उसको क्या लेना है, एफ वन फर्स्ट फ्रिक्वेंसी के साथ, एक्स टू लेना है तो सेकेंड फ्रिक्वेंसी के साथ, अभी बेटा तो एक्स थ्री के साथ एफ थ्री, ठीक है, तो उसी तरह से हमको क्या करना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में ये क्या करना है, प्लॉट करना है। ओके, यानी कि ये हमारा एक्स डेटा हो गया, और एफ क्या हो गया, हमारा वाई डेटा हो गया, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में क्या करना है, पॉइंट को दर्शाना है, पॉइंट को जगह जगह, ठीक है, एक्स थ्री एंड डॉट डॉट एक्स एन कॉमा एफ वन, ठीक है, ऑन द ग्राफ पेपर। ओके, यानी कि ग्राफ पेपर के ऊपर हमको क्या करना है, इसको प्लॉट करना है, यानी कि पॉइंट को जगह जगह दिखाना है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, एंड ज्वाइन दीज पॉइंट्स, यानी कि ज्वाइन ज्वाइंट नहीं है, ज्वाइन करेंगे, ठीक है, यानी कि उसको एक साथ फिर ज्वाइन करेंगे, बाय अ लाइन सेगमेंट, यानी कि एक लाइन सेगमेंट के थ्रू सभी पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे, एक्स वन एफ वन हो गया, उसको किसके साथ, एक्स टू एफ टू के साथ, फिर उसका किसके साथ, तीसरे वाले के साथ, फिर उसका किसके साथ, लास्ट वाले के साथ, यानी कि जो जो पॉइंट मिलेगा हम उसको क्या करेंगे, एक दूसरे को ज्वाइंट करेंगे, जिससे ध्यान से देखना, एक मान लो पॉइंट यहाँ पर मिल गया, ठीक है, दूसरा पॉइंट मान लो यहाँ पर मिल गया, तीसरा पॉइंट यहाँ पर मिल गया, तो सब को क्या करेंगे, ऐसे ज्वाइंट करेंगे लाइन सेगमेंट के द्वारा, ठीक है, एक मान लो यहाँ पे, तो ऐसे ज्वाइंट करेंगे और ये हमारा पॉइंट्स हो गया, एक्स वन एफ वन,
ठीक है, एक्स टू एफ टू, ये हो गया एक्स थ्री एफ थ्री, ठीक है, ऐसे करके एक्स एन एफ एन। तो जैसे जैसे ये हमारा क्या होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस, तो उसी के ऊपर क्या करेंगे पॉइंट को प्लॉट करेंगे। ओके, अब अगला चक्कर ध्यान से देखते हैं, या इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब तीसरा पॉइंट पे वी कंप्लीट द डायग्राम, हम उस डायग्राम को क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ पॉलीगन, यानी कि उस डायग्राम को हम क्या करेंगे पॉलीगन के फॉर्म में ड्रॉ करेंगे। ओके, कंप्लीट करेंगे बाय टेकिंग टू मोर क्लासेस, ठीक है, कॉल्ड इमेजिन क्लासेस, यानी कि टू मोर क्लासेस, ठीक है, यानी दो अधिक क्लासेस क्या होगा उसको इमेजिन क्लासेस भी बोलते हैं, अभी आएगा वहाँ पे दिखा समझा देंगे, ठीक है, ध्यान से देखना, वन एट द बिगनिंग एंड द अदर एट द एंड, यानी कि एक स्टार्टिंग में होगा और दूसरा कहाँ पे होगा लास्ट में होगा, ठीक है, ध्यान से देखना, ये जिसको हम इमेजिन क्लासेस बोलते हैं एक कहाँ पे होगा स्टार्टिंग में होगा, टू मोर क्लासेस बोला है ना, तो एक स्टार्टिंग में होगा और एक कहाँ होगा लास्ट में एंड में होगा, ठीक है, ध्यान से देखते रहना। मेथड ऑफ ड्राइंग ए फ्रिक्वेंसी पॉलीगन, ओके, यानी कि कौन कौन सा मेथड होता है, यानी कि मेथड कितने प्रकार का, ठीक है, जो कि फ्रिक्वेंसी पॉलीगन को क्या करेगा ड्रॉ करने के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है, तो ध्यान से देखना। फर्स्ट कैलकुलेट द क्लास मार्क्स, ठीक है, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स एन डॉट डॉट एक्स, ठीक है, ऑफ द गिवन क्लास इंटरवल, यानी कि जो भी क्लास इंटरवल दिया रहेगा उसके उससे हम क्या करेंगे क्लास मार्क ऑब्टेन करेंगे या कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। दूसरा मार्क्स एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डॉट डॉट एक्स एन अलोंग एक्स एक्सिस ऑन द सम सुटेबल स्केल, यानी कि किसी स्केल की सहायता से क्या करेंगे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री को एक्स एक्सिस पर साइड करेंगे, यानी कि मार्क करेंगे, ठीक है। दूसरा फ्रीक्वेंसी मार्क्स एफ वन एफ टू एफ थ्री डॉट डॉट एफ एन अलोंग वाई एक्सिस ऑन द सम सुटेबल स्केल, और एफ वन एफ टू एफ थ्री को किस पे वाई एक्सिस पे, यानी कि ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर इसको ड्रॉ करेंगे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स एन को, और वाई एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे किसको ए फ्रीक्वेंसी को। ओके, अब फिर तीसरा पॉइंट में चौथा पॉइंट ध्यान से देखते हैं, ज्वाइन द पॉइंट एक्स वन एफ वन, यानी कि फिर क्या करेंगे इस दोनों पॉइंट का जहाँ जहाँ मिलेगा उसको ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर बताए थे ज्वाइन द पॉइंट एक्स वन एफ वन, जिसे यहाँ पर ज्वाइन करके हमने बताया था, ठीक है ना, कि एक्स वन एफ वन फिर एक्स टू एफ टू एक्स थ्री एफ थ्री डॉट डॉट जो भी पॉइंट होगा सबको क्या करेंगे ज्वाइन करेंगे, तो ये बात कर रहा है, ठीक है, यानी कि ज्वाइन द पॉइंट एक्स वन एक्स एफ वन एक्स टू एफ टू एक्स थ्री एफ थ्री, यानी कि दोनों एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में होगा सेम उसी करेंगे बाई अ लाइन सेगमेंट, बिल्कुल एकदम करेक्ट है वही चीज़। पांचवा ज्वाइन द मिड पॉइंट, यहाँ पर ध्यान से देखना, ज्वाइन द मिड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल टू द मिड पॉइंट ऑफ द इमेजिन क्लास एट द बिगनिंग आल्सो ज्वाइन बिगनिंग आल्सो ज्वाइंट एंड द मिड ऑफ लास्ट क्लास इंटरवल टू द मिड पॉइंट ऑफ द इमेजिन क्लास एट द एंड, ध्यान से सुनना थोड़ा सा, कह रहे कि ज्वाइन द मिड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल, यानी कि टू द मिड पॉइंट ऑफ द इमेजिन क्लास इंटरवल, अब ध्यान से देखना वहाँ पे भी बताए थे इमेजिन आया था ना, ठीक है, यहाँ पे भी आया है, तो इमेजिन का एक बिगनिंग पॉइंट होगा, वहाँ पे बताया था कि दो वो होता है इमेजिन, यहाँ पे बताए थे ना कि कॉल्ड इमेजिन क्लासेस, तो यहाँ पे लिखा टू मोर क्लासेस, दो मोर यानी कि दो उससे फ्रीक्वेंसी जो दिया होगा इंटरवल उससे हमको दो क्लास और एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है, एक स्टार्टिंग में एक कहाँ पे होना चाहिए लास्ट में, ठीक है, वन एट द बिगनिंग जो कि शुरू में और दूसरा कहाँ पे होना चाहिए एंड में, अब ध्यान से देखना वो क्लासेस कौन सा होगा, ठीक है,
तो ये क्या हो गया हमारा, उसी की बात कर रहा है कि मिड पॉइंट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल, यानी कि फर्स्ट क्लास इंटरवल, और जो होगा मिड पॉइंट ऑफ द इमेजिन क्लास एट द बिगिनिंग, और एक होगा एंड ज्वाइंट द मिड पॉइंट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल, यानी कि एक शुरू वाले को फर्स्ट क्लास इंटरवल के साथ ज्वाइंट करेंगे और लास्ट वाले को किसके साथ, जो लास्ट वाला क्लोज इंटरवल होगा उसको इंड वाले इमेजिन से ज्वाइंट करेंगे। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे एग्जाम्पल एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखो, ये हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है। फ्लोइंग टेबल शो द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द स्पीड ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ पार्टिकुलर स्पॉट ऑन लाई हाईवे, ठीक है, यानी कि कार पास हो रही है किसी हाईवे पर, ठीक है, उसी का स्पीड का दिया हुआ, ठीक है। फर्स्ट क्लास इंटरवल किलोमीटर पर आवर में, घंटा में, ठीक है, फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ कार्स जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो दिया हुआ। तो 30 से 40 की स्पीड में चलने वाली, फिर 40 से कितने है, तीन कार है, 40 से 50, देखो 50 से 60, 25, 60 से 70 के स्पीड से 65, 70 से 80, 50, 80 से 90, 28, 90 से 100 कितना हो गया, 14, ठीक है। तो कह रहा है कि ड्रा अ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन रिप्रेजेंटिंग द अबव डेटा, यानी कि क्या करना है, हिस्टोग्राम भी ड्रा करना है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी ड्रा करना है, ध्यान से देखना, ठीक है। हमारे पास डेटा है, तो फर्स्ट क्या बोला था यहाँ पे कि सबसे पहले मेथड में क्या था कि हमको एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री कन्वर्ट पहले कैलकुलेट करेंगे, जिसको क्लास मार्क बोलेंगे, ठीक है। तो क्लास मार्क होता क्या है, ध्यान से देखना, यहाँ पे टेबल बनाया, ठीक है, ये हो गया हमारा क्लास इंटरवल, ये हो गया क्लास मार्क, ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फर्स्ट तो हमको ध्यान से देखो, यहाँ पे तो दिया था वो 40, 30 से 40 के बीच में दिया था, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से 30 से 40 और लास्ट कितना है 90 से 100, लेकिन हमने लिया क्या, ध्यान से देखो 20 से 30 लिया है और लास्ट कितना है 100 से 110 पे किया है, एक एक बढ़ा दिया है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, अभी बताए थे ना कि एक बिगिनिंग में इमेजिन पॉइंट होना चाहिए और एक लास्ट में, बोला था ना यहाँ पे देखो टू मोर क्लासेस, ठीक है, कॉल्ड इमेजिन क्लासेस, वन एट द बिगिनिंग एंड द वन एट द अनदर एंड, ठीक है ना। तो वही ये है, ये कौन सा क्लासेस है, 20 से 30 हम अपने से लेंगे, ठीक है, ये कौन सा है हमारा, एक बिगनिंग में हो गया इमेजिन क्लासेस, ठीक है ना, और दूसरा कहाँ पे हो जाएगा, एक लास्ट में इमेजिन क्लासेस हो जाएगा, ठीक है, इमेजिन क्लासेस, ठीक है। तो एक हमको क्या करना है, अपने से लेना है, यानी कि 20 से 30, अगर यहाँ पे 20 30 स्टार्टिंग होता तो हम 10 से 20 लेते, जो भी स्टार्टिंग होगा उससे एक क्लास इंटरवल पहले लेंगे और जो लास्ट होगा उसके एक बाद क्लास इंटरवल लेंगे। तो ये हमारे पास दो क्लास इंटरवल आएगा, जो कि एक बिगिनिंग में होगा और एक क्या होगा लास्ट में, तो इसको एंड में, तो वो क्या होता है, इसी को इमेजिन बोल रहे हैं ना, तो मतलब इमेजिन का मतलब क्या है, इमेज करना है, अपने से एनिमेशन देना है कि ये कौन सा है, 20 से 30 इसमें है और एक कौन सा 100 से 150 के बीच में। तो आप ध्यान से देखो क्लास मार्क क्या होता है, एक्स वन एक्स टू, तो ये दोनों को जोड़ के 20 और 30 कितना होगा 50, 50 का आधा क्या हो जाएगा 25, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स वन, दोनों को जोड़ दो 70, 70 का आधा क्या हो जाएगा 35, तो हो गया एक्स टू, समझ में रहा है, ये हमारा हो जाएगा एक्स थ्री, एक्स फोर, एक्स फाइव, एक्स सिक्स, एक्स सेवन, एक्स एट और एक्स नाइन, ओके, ये हमारा हो गया क्लास मार्क। और ये हमारा होगा फ्रीक्वेंसी एफ वन, एफ टू, एफ थ्री, एफ फोर, एफ फाइव, एफ सिक्स, एफ सेवन, एफ एट और एफ नाइन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्लास मार्क और ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी। अब हमको क्या करना है, ध्यान से देखो, अब इस पॉइंट को प्लॉट करना है, बोला था ना कि एक्स वन और एफ वन, तो एक्स वन कितना होगा 25 और एफ वन हो गया 0, यानी कि फर्स्ट पॉइंट आएगा कितना 25.0, ठीक है, दूसरा आएगा 35.3, हो गया 25.0, 35.3, ठीक है। अब ये 45.6, 55, इन्हीं पॉइंट को क्या करना है हमको, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर दर्शाना है, ठीक है,
आप ध्यान से देखो, बोला था कि वहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्स एक्सिस पे एक्स वन वाई वन आना चाहिए, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, तो ए हमारा एक्स एक्सिस हो गया, जो कि क्लास इंटरवल कहाँ से देखो, ए बीस से लेके कितना 110 तक है, तो हमने क्या किया देखो, जीरो से लेके 10 का गैप देके कहाँ तक ले गया, 110 तक, ठीक है। दूसरा इधर फ्रिक्वेंसी देख लो, मैक्सिमम कितना है देखो 65, मिनिमम कितना है जीरो, तो जीरो से लेके 65, तो 10 का गैप देके ऐसे तक ले लेते हैं, अब बीच में हमारे यहाँ तक क्या हो जाएगा 65, ओके, तो ये भी 10 का गैप है, भी 10 का गैप, एक से ये हमारा हो गया एक्स वन, जो कि हमारा क्या दिखाएगा, कार का स्पीड हो गया ना, कार स्पीड, ठीक है, और ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी और एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, कार हो गया। अब सबसे पहले क्या करना है, इसका हमको क्या बनाना है, हिस्टोग्राम, ठीक है, तो हिस्टोग्राम किस पे बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी पे, तो फ्रीक्वेंसी पे हिस्टोग्राम बना लेते हैं, इसके बाद इस पॉइंट को दर्शा लेंगे, ध्यान से देखना। तो फर्स्ट यहाँ पे ध्यान से देखो, जीरो से लेके 10 तक तो कुछ नहीं है, 20 तक कुछ नहीं है, तो जीरो से 20 तक क्या हो जाएगा, किंक हो जाएगा, ऐसे बिल्ड कर सकते हो, ये हो गया ना यहाँ पे हमारा क्या हो गया, किंक, यानी कि जीरो से 20 तक कुछ नहीं है, तो ये हमारा किंक हो गया। अब 20 से 30 ध्यान से देखो, इसके लिए फ्रिक्वेंसी कितना हमने जिम किया था, जीरो, तो ये हो गया 20 से 30, यानी कि 20 से 30 के बीच में क्या है, फ्रिक्वेंसी देखो जीरो है ना, यहाँ से 20 से 30 के बीच में क्या हो गया, फ्रिक्वेंसी जीरो। अब 30 से 40 के बीच में देखो, तो फ्रिक्वेंसी कितना है, 3, तो 30 से 40 देखो, ये हमारा फ्रिक्वेंसी कितना हो गया, 3, यहाँ से हमने स्केल पर 3 मेजर कर लिया, यहाँ पर ये हो गया हमारा 3, ठीक है, यानी कि 20 से 30 से 40 कितना हो गया, 3, 40 से 50 कितना हो गया, 6, तो 40 से 50 देखो 6, यहाँ से स्केल पर रखो, 40 से 50 हो गया 6, 50 से 60, 50 से 60 कितना है, 25, देखो 50 से 60 कितना हो गया, 25, 20 और 30 के आधा क्या हो जाएगा, बीच में 25 हो गया, ठीक है, 60 से 70 65, 60 से 70 कितना हो गया फ्रिक्वेंसी, 65, ठीक है, 70 से 80, 70 से 80 कितना है, 50, देखो 70 से 80 50 हो गया, 80 से 90 28, तो 80 से 90 देखो 28, 30 से थोड़ा कम है, 28 हो गया, ठीक है, 90 से 100 14, तो 90 से 100 14, देखो बिल्कुल एकदम 10 के ऊपर है, 15 से थोड़ा सा नीचे है ना, तो 14 फिर 100 से 110 तो देखो इस पर फ्रिक्वेंसी कितना है, जीरो, तो 100 से 110 देखो फ्रिक्वेंसी कितना होगी, यहाँ पे होगी जीरो, ठीक है। अब ये हमारा क्या था, हिस्टोग्राम था, अब हमको क्या चाहिए, पॉलीगन, क्लियर है, तो पॉलीगन के लिए क्या बोला था ना कि एक्स वन और एफ वन को क्या करना है, ज्वाइंट करना है, तो हमारा पॉलीगन निकल जाएगा, तो ये हमारा हो गया हिस्टोग्राम। अब इस पर हमको क्या बनाना है, पॉलीगन, तो बोला था फर्स्ट इमेजिन पॉइंट टू, हमारा फर्स्ट इमेजिन पॉइंट से लेके कौन सा, फर्स्ट ये हमारा इंटरवल वाला पॉइंट ही ना है, तो एक्स वन ध्यान से देखो, तो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे कितना है, ध्यान से देखो 25 और फ्रिक्वेंसी कितना है, जीरो, तो कितना हो जाएगा 25.0, तो यहाँ पे ध्यान से देखो एक्स की वैल्यू हो गई कितना, देखो 20, अब 20 के आगे क्या आएगा, यानी कि 25 में आएगा इसके मिड पॉइंट में, और एफ कितना हो गया, जीरो, ठीक है। सेकेंड वाला देखो कितना है 35, ध्यान से देखो फ्रीक्वेंसी कितना है 3, और ये क्लास मार्क कितना है 35, तो 35 कितना हो गया, 3, यानी कि एक्स टू एफ टू हो गया ना, तो 35, तो देखो 30 और 40 के बीच में 35 आएगा, तो ये हो गया 35.3, ठीक है। ए पॉइंट दिया इस पॉइंट को बी, और देखो यहाँ पे 40 से 50 के बीच में कितना आएगा 45, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 45.6, तो ये जो पॉइंट सी हो जाएगा, इसका पॉइंट कितना निकलेगा, सी का हो जाएगा 45.6, ठीक है। अब इसके बाद डी पे चलते हैं, तो डी का देखो, डी का कितना हो गया 55.25, यानी कि ई जो पॉइंट है हमारा कितना हो जाएगा 55.25, ठीक है, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, ए पॉइंट ई हो गया, बी सी लिख लो, इसे सी का कितना था 45.6, अलग अलग दिखा सकते हो, ठीक है।
डी का लिख लो यहाँ पे, तो डी का हो गया 55.25। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी डी लिख दिया ना, तो इस पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट चाहिए, तो यहाँ पे अलग कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हो। ठीक है, डी के बाद क्या आ जाएगा, ई। ई का पॉइंट कितना हो गया, ध्यान से देखो, 65.65, यानी कि 65.65। एफ का देखते हैं, तो एफ का कितना है, देखो ये रहेगा 75.75। ई के बाद एफ 75.50। ठीक है, ये जी जी लेते हैं, तो जी का कितना हो गया 85.28। ठीक है, जी के बाद एच, तो एच का हो गया 95.14। एच के बाद आई, तो ये हो गया 105.0। ये हो गया हमारा इन सब पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब क्या करना है, बोला था ना कि एक लाइन सेगमेंट के जरिए इन सभी पॉइंट को क्या करना है, मिला देना है। तो देखो यहाँ पे स्केल रखो और इस पॉइंट को मिला दो, ये ना हमारा मिड पॉइंट है बी वाला। ठीक है, फिर इसके मिड पॉइंट से इसके मिड पॉइंट को मिलाएंगे ऐसे, फिर इसके मिड पॉइंट से स्केल रखो और इस पॉइंट को मिलाएंगे। ठीक है, अब इसके मिड पॉइंट से इसके मिड पॉइंट को, ये वाला जो पॉइंट है हमारा, सीधे स्केल पर रखना, मिल जाएगा। ठीक है, सीधा स्ट्रेट लाइन आएगा। फिर इस पॉइंट से किसको मिलाएंगे, इस वाला पॉइंट को, इस पॉइंट से मिलाएंगे इस वाले पॉइंट को, फिर यहाँ से यहाँ, और यहाँ से कौन सा आ जाएगा, लास्ट ये वाला हमारा हो गया। ठीक है, तो जो इमेजिन पॉइंट था कौन सा आएगा, 25.0 हो गया, और लास्ट वाला कितना जाएगा, यानी कि 105.0, ये हो गया आई का। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये पॉलीगन का हो गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का ग्राम डायग्राम कौन सा हो गया, ये पॉइंट वाइज जोन है जो है। ठीक है, जो पॉइंट वाइज जो कौन सा है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का हो गया, और जो ये रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है किसका हो गया, ये हिस्टोग्राम का डायग्राम हो गया। समझ में गया, यानी कि जो रेक्टेंगल वाला है वो हिस्टोग्राम हो गया, और जो पॉइंट वाला है वो हो गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, यही हमारा क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और डायग्राम में डिफरेंस। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में फिर से ध्यान से सुन लो, हिस्टोग्राम का वैसी बनाना है जिसे बनाते थे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या करना है कि दो डेटा एज्यूम करना है, एक जो भी फिर इंटरवल दिया रहेगा उससे एक पहले, और उससे एक लास्ट वाले से एक लास्ट वाला। ठीक है, और इसके बाद क्या करना है, इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा इसका हाफ जीरो लेंगे, और लास्ट वाले का भी फ्रीक्वेंसी जीरो लेंगे। ठीक है, और इसका क्लास मार्क हाफ कर देंगे, इसको दोनों को जोड़ के दो से डिवाइड कर देना और क्लास मार्क निकल जाएगा। ठीक है, अब हमको जो ग्राफ बनाना है वो कितने होना चाहिए, क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी के बीच पॉइंट को डिनोट करना है। ठीक है, पॉइंट वाइज जिसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बना देते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से सबसे पहले क्या करना है, एक हिस्टोग्राम बना लेंगे। हिस्टोग्राम बनाने के बाद उसके बाद जो जो पॉइंट होगा इसके मिड पॉइंट हिस्टोग्राम का, ठीक है, उसी को मीट कर देंगे, यानी कि मिला देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पॉलीगन का ग्राम बन डायग्राम बन जाएगा। ओके, तो ये हमारा था पॉलीगन और हिस्टोग्राम, कल जो डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, वो केवल पॉलीगन का बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दोनों का है ना, अब केवल पॉलीगन का बनाएंगे तो केवल ये डॉटेड लाइन वाला रहेगा, बाकी ये जो रेक्टेंगल है वो इसमें से गायब हो जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही, गुड लक।